सिर्फ हथियार रखने से कोई मजबूत नहीं होगा। एक लड़की वहाँ से भाग आई, यहाँ एक यहाँ से भाग गई वहाँ। चिन भाई सीमा को शायरी सुना रहा है, आलू भरा पराठा पानी बिना गिलास, और सीमा तेरे याद में सचिन को ना लगे भूख और प्यास। मतलब कभी कभी लगता है कि 10-20 मंजिल पे चढ़ के कूद जाओ, हिस्ट्री उस्ट्री पढ़ाने से अच्छा पबजी ही खेलते। खेल है, कोई कहीं से भाग भाग के नहीं आया, खेल चल रहा। और शुगर की बीमारी की कोई दवा नहीं, एक ही दवा है वो मुझे पता है, एक लड्डू 5 किलोमीटर। तो तुम ऐसा भागोगे भागोगे, खून गर्म होता जाएगा, जितना गर्म होता जाएगा तुम अगर खाना नहीं खाओगे ये शरीर खत्म हो जाएगा। बोलोगे कैसे, चिल्लाओगे कैसे? रोटी में सरसों का तेल लगाए, नमक डाले, एक प्याज उठाए दबा। रोटी एक ऐसी चीज है जो बासी होते और ताकतवर हो जाए। अब इनका फोन एक एक 1.5-1.5 लाख रुपए का है, लेकिन सम्मान का सूचक है। एप्पल जो लोग लेते हैं हाथ में लेके घूमते हैं, झील कारगिल पार्क में जितने भी लोग घूमते हैं वहां जिनका एप्पल फोन है, सब बाकी सब जेब में रखे हैं। रेडमी लावा सबका फोन जेब में, ये सम्मान का सूचक है, सम्मान का। और एप्पल की अपनी एक म्यूजिक है, सब वही म्यूजिक लगाए रहते, तो देख के लग जाता है कि एप्पल का फोन रखे। तो हमें पावरफुल बनने के लिए कुछ नहीं करना, इस लावा को इस स्टेज पे पहुंचा देना है बस, कि पूरी दुनिया में जब भी मोबाइल का नाम उठे तो लोग कहें पहला प्रेफरेंस लावा। यानी देश की शक्ति का आधार स्तंभ आज क्या है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तुम अगर खाना नहीं खाओगे ये शरीर खत्म हो जाएगा। बोलोगे कैसे, चिल्लाओगे कैसे, कहां से शक्ति लाओगे? और चाय तो पीना ही नहीं, मतलब चाय तो एकदम, और किसी घर जाया करो हिंदुस्तान में, जानते हो हमारे यहाँ एक्चुअली कुछ चीजें परंपराएं थी। 40 साल पहले सब साइकिल पे चलते थे, तो ससुराल गए साइकिल से, 60 किलोमीटर ससुराल, तो 60 किलोमीटर साइकिल चला के गए। अब वहां मानी सी बात है, 20 पूड़ी खाएंगे, इतना चावल खाएंगे, 2 लोटा रायता पी जाएंगे, इतना हलवा खाए, क्योंकि वापस भी तो 60 किलोमीटर आना है, सब हजम। इसीलिए इस देश में लोग जबरदस्ती खिलाते, वो परंपरा है, पहले लोग करते थे। कहां किसके पास मोटरसाइकिल 1960 में थी, 70 में कहां मोटरसाइकिल थी? मोटरसाइकिल तो आई 1991 में, सब साइकिल पे चलते थे, तो तब किसी को शुगर होती नहीं थी क्योंकि मेहनत होती रहती थी। मैगी कोई खाता नहीं था, मोमो पोमो कोई जानता नहीं था क्या होता है। रोटी में सरसों का तेल लगाए, नमक डाले, एक प्याज उठाए दबा गए। और रोटी एक ऐसी चीज है जो बासी होते और ताकतवर हो जाती है। आज सुबह की क्लास में मैंने कहा है कि तुम में से जितने लोग खाना बनाते हो एक ही टाइम खाना बनाया करो, एक टाइम खाना बना लो, एक टाइम की रोटी बना लो 10-12, जब भूख लगे लगाए दबा दिए। और रोटी जितनी बासी होती जाएगी उतनी कीमती होती जाएगी, ये रोटी का नियम है, आज गूगल पे डाल के देख लेना बासी रोटी की कितनी कीमत होती है। कुछ होता है फर्मेंटेशन, उसमें उसका पूरा नेचर चेंज हो जाता है। ताजी रोटी नुकसान करती है डायबिटीज के पेशेंटों को, लेकिन बासी रोटी फायदा करती है। देखो नॉनवेज खाते हो, तुम्हें तो पूछना ही नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मसाला दो काम करता है। कोरोना से तुम कैसे जीते, मसाले की वजह से, सिनेमन। तो मसाला तुम्हारे फूड को प्रिजर्व करके रखेगा गर्मी है ठंडक में, तो एक तो वो प्रिजर्वेटिव है, मसाला लगा के तुमने रख दिया। और दूसरा क्या है, दवा है। अर्जुन की छाल दवा है, दालचीनी दवा है, ब्लैक पेपर दवा है, काली मिर्च। तो प्रिजर्वेटिव से ज्यादा उसकी कीमत किसकी है, दवा की। आयुर्वेद इसी पे तो पूरा टिका हुआ है, दवा पे। देखो कितने लोग शुगर के बीमार पेशेंट है, और शुगर की बीमारी की कोई दवा नहीं, एक ही दवा है वो मुझे पता है। हाँ बिल्कुल 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 पकड़ लिए तुम, कौन बोला? हाँ बस उसके सिवा कोई दवा ही नहीं, उसके सिवा सब बेवकूफ बना रहे हैं। डायबिटीज रिवर्सल कर देंगे, फलाना कर देंगे, कुछ ना कर पाओगे। उसका रिवर्सल हो सकता है, पर उसकी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। डायबिटीज की एक ही दवा है, पसीना बहाओ, एक लड्डू 5 किलोमीटर 1:5, 2 लड्डू 10, 4 लड्डू 20, और पूरा डिब्बा खाकर तो यहां से आगरा भाग गए।
ये डॉक्टर तुमसे गलत कहते हैं कि डायबिटीज में मीठा मत खाना, गलत। एक लड्डू 5 किलोमीटर, भागना है। ऐसा नहीं कि मोबाइल लिया ऐसे ऐसे चल रहा हो गया यार चौहे क्या, ऐसा ऐसा नहीं करना, भागना है। तुम्हारी शरीर ने शुगर को तोड़ने की क्षमता खो दी है। करे भैया अब हम ना तोड़ पाएंगे, हमारे अंदर ताकत नहीं बची। तुमने कहा ठीक, तो तुम ऐसा भागोगे भागोगे, खून गर्म होता जाएगा, जितना गर्म होता जाएगा चीनी अंदर पिघलती चली आएगी। हीट ही तो देना है, तो सिर्फ चीनी नहीं पिघलेगी, कोलेस्ट्रॉल भी पिघल जाएगा। खूब लड्डू खाओ, लेकिन फॉर्मूला यही है, एक लड्डू 5 किलोमीटर। और या तुम 10 मिनट की भस्त्रिका करो, सांस अंदर यहां तक और बाहर, और 1 घंटा कपालभाती, उसमें तुम्हारी कंट्रोल रहेगी, खत्म नहीं होगी। ये वाले में तो खत्म हो जाएगी, एक लड्डू 5 किलोमीटर, या तो तुम खाओगे नहीं और या भागोगे। और तुम सोचो मीठा नहीं खाओगे तुम्हारा शरीर खत्म हो जाएगा, जो तुम टैक्स भरते हो उससे इनको सैलरी मिलती तुम्हारे पैसे से, और तुम ही जाके कूद का पैर छू लेते हो। मंत्री जी थूक दीजिए, मंत्री जी यहीं पे कहां जा रहे हैं, मतलब विशुद्ध जाहिल देश है ये। तुम्हारे रिश्तेदार हैं, फूफा लगते हैं, मौसा लगते हैं, वो अलग बात है। तुम्हारे गुरु रहे हैं, वो अलग बात। तुम्हारा कोई सम्मानीय है तो अलग बात। फर्जी क्यों पैर छू रहे हो यार? एक अजीब सी दौड़ हो गई इस देश में कि पहले कौन छू रहा है। सबका पैर छू रहा, कोई आईएएस अधिकारी मिल गया पैर छू लिया कूद के। मौसा है तुम्हारे? नहीं नहीं, तब का है छू रहे हुए। तुम्हारी अपनी गरिमा नहीं है, अपना आत्मसम्मान नहीं है, भिख मंगे हो? प्रणाम करो, हाथ जोड़ के दोनों, नमस्कार, हो गया। और ये जो रोग है सेल्फी वाला, अरे बाप रे बाप। मेरे साथ अभी एक लड़का रहने लगा है, ये छुड़वा के लाए उसको जेल से। उसको यही बोले हैं कि जो भी सेल्फी दे मार दो, 3 मुक्का खींच के तोड़े सेल्फी लेने चले। दूसरे के वजूद पे जिंदा रहने वाले को पैरासाइट कहते हैं, और दूसरे के कमाई खाने वाले को हिजड़ा कहते हैं। सब नहीं करना चाहिए, सब बेवकूफी भरी बातें हैं। तुमको तो फील ही नहीं होता अंदर से, कितना भी गाली दो। सब मत किया करो, मतलब एकदम हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, ये सब काम मत किया करो। किसी का दिया हुआ नहीं खाते हो, तुम्हारे माँ बाप तुमको खिला रहे हैं, दिन में 40 बार उनका पैर छुओ, जब पड़ जाए मिल जाए तभी छू लो। उन्होंने तुमको वजूद दिया है, जो तुम डिप्रेशन का शिकार हो रहे हो इसीलिए हो रहे हो, अंदर ताकत है ही नहीं। वो अटल घाट पे जाके देखो, पेड़ पकड़ के फोटो खींच रहे हैं, एक आदमी कुत्ते पे बैठा हुआ है इसे, वो बेचारा कुत्ता परेशान है कि ये क्या कर रहे हैं यार। यार कुत्ते पे कोई बैठता है? सिर्फ हथियार रखने से कोई मजबूत नहीं होगा, सिर्फ हथियार तो पाकिस्तान के पास है, इनके पास कोई इंडस्ट्री नहीं है। और एक नया नाटक चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान इंडिया के बीच में, एक लड़की वहां से भाग गई यहां, एक यहां से भाग गई वहां। ओ भाई सचिन भाई सीमा को शायरी सुना रहा है, आलू भरा पराठा पानी बिना गिलास, आलू भरा पराठा पानी भरा गिलास, और सीमा तेरे याद में सचिन को ना लगे भूख और प्यास। मतलब कभी कभी लगता है कि 10-20 मंजिल पे चढ़ के कूद जाओ, हिस्ट्री उस्ट्री पढ़ाने से अच्छा पबजी ही खेलते। सब खेल है, कोई कहीं से भाग भाग के नहीं आया, सब खेल चल रहा है। सब बहुत बड़े बड़े लेवल के खेल होते हैं, पब्लिक बिजी है,
पहले हिंदुस्तान वाले पाकिस्तानियों को चिढ़ा रहे थे, देख तुम्हारे घर की लड़की भाग गई हमारे घर, और अकेले नहीं आई, चार बच्चा भी ले आई। पाकिस्तान वाले बड़ा डिमोरलाइज फील कर रहे थे कि यार तो बड़ा बेइज्जती हो गया, वो इधर से उठा ले गए। अब दोनों पार्टी शांत है, अब दोनों पार्टी मिलकर औरतों को गाली दे रहे, क्या लड़कियां बदतमीज होती है। अब पहले मजा ले रहे थे एक दूसरे से, अब मुद्दा बदल गया। खैर तो इस अब देखो तुम, अब एक बात तुम्हें यहां पॉइंट समझ में आएगी, आज की दुनिया में पावरफुल कौन, जिसकी पास एक पावरफुल इंडस्ट्रियल सेक्टर है। ये बात पकड़ में आई ना कि आज की दुनिया में शक्ति का आधार क्या है, उद्योग, इंडस्ट्री, बिजनेस, ट्रेड,